हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के अधिकृत अवकाश काटे जाने पर एक गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। हिसार डिपो में सभी कर्मचारियों के गेट मीटिंग हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दलबीर किरमारा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कहा गया कि सरकार द्वारा अधिकृत अवकाश जो कर्मचारियों को 31 मिलते थे उनमें कटौती कर ली गई है, जिसके विरोध स्वरूप गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ रोष जताया गया। दलबीर किरमारा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वह इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें अधिकृत 31 अवकाश प्राप्त होते थे, जो कम करके मात्र 8 कर दिए गए हैं और 23 अवकाश काट दिए गए। कर्मचारियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सरकार जल्द से अपनी आदेश वापस ले। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द अपना फैसला वापस नहीं लिया तो एक पूरे प्रदेश की तालमेल कमेटी की मीटिंग बुलाकर आगामी फैसला लिया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा जो रोडवेज के वर्कशॉप के कर्मचारियों को साल में 31 छुट्टियाँ मिलती हैं और इसी एवज में रोडवेज के चालक परिचालक जो रनिंग स्टाफ है उन्होंने भी एक मांग की थी कि वे हमारे को इतनी ही छुट्टियाँ 31 छुट्टियाँ वर्कशॉप वाले लेते हैं तो 31 छुट्टी हमारी भी होनी चाहिए। इस पर सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया कि जो वर्कशॉप की छुट्टी 31 थी वो काट के ना 8 कर दी और जो रनिंग स्टाफ वाले 31 मांग रहे थे उनको भी 8 ही छुट्टी का लेटर जारी कर दिया। यानी हम तो गए तो थे छुट्टी लेने के लिए, उल्टा वर्कशॉप के कर्मचारियों की छुट्टियां काट ली, जिसको लेके रोडवेज की तालमेल कमेटी ने इमरजेंसी मीटिंग बुला के फैसला किया था कि भाई आज पूरे प्रदेश भर में इस आदेश के विरोध में हम गेट मीटिंग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और उसी के तहत हमने आज ये प्रोग्राम किया। तो अगर ये आदेश वापस नहीं होते तो अगली कार्रवाई क्या रहेगी? अब अगली कार्रवाई हम जल्द ही तालमेल कमेटी की मीटिंग अब 2 दिन में या 3 दिन में बुला रहे हैं, इसके ऊपर फिर कोई निर्णय लिया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।